बट अमित भाई आज का आपको मानना पड़ेगा लाइक कार्निवल का बड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है परफॉर्मेंस वाइज, उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, करने का ट्राई करते हैं पर चलिए डायरेक्ट ऐसे मुद्दे पे ही चलते आते हैं ना रहते। हाँ जी व्हाई नॉट। अमित भाई, अक्षत की वापसी, नियो का बेंच, इसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था या फिर कुछ सेट स्ट्रैटेजी? हाँ मतलब बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट ही है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन में हमें लग रहा था पुराने लाइनअप का, थोड़ा कोऑर्डिनेशन है ये तो है, बिकॉज तो। पुराने लाइनअप में दम था, वो कोऑर्डिनेशन जरूर रहेगा। बट भावना, आप कुछ ऐसा पूछना चाहें? गेमिंग को किस चीज़ में मेजरली स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि ऐसे नहीं कि प्लेयर्स नए हैं, काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, सिनर्जी भी अच्छा है, तो मेजरली कहाँ स्ट्रगल कर रही है टीम? मेरे हिसाब से थोड़ा कोऑर्डिनेशन का इशू है, जिसके लिए हमें मतलब नियो को आना पड़ा बट और ट्राई करनी पड़ी चीज़ें। जी 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 बोलिए बोलिए। यही बोल रहा था कि मतलब एनर्जी की वजह से ट्राई करना पड़ता ठीक है, एक और चीज़ है जो हम नोटिस कर रहे हैं अमित भाई, इज कार्निवल गेमिंग और ये लाइनअप। केमिनी स्पोर्ट्स विकेंडी में राइवलरी चल रही है एंड केमिनी स्पोर्ट्स ने एक लंबा हाथ मारा है, कुछ कहना चाहेंगे? कार्निवल ई स्पोर्ट्स एंड दूसरा कौन केमिन विकेंडी, अमित भाई दो बार। है? हाँ मतलब थोड़ा प्लेन पार्क का इशू था और एक्सपेक्टेड था और हेक्टर पकड़ा गया और एक्टर उन्होंने हंट किया, उनको पकड़ नहीं पता कि हम 3 महीने है, उन्होंने एक किया था बट अमित भाई, अब तो बहुत ऑब्वियस था। ये सेगमेंट का मेरा आखिरी एक पार्ट है जिसके अंदर मैं एक बेसिक सा सवाल पूछा दो हिस्सों में, कोई ऐसी टीम जो आपको बहुत इंप्रेस कर रही है, मतलब बीइंग द कार्निवल गेमिंग कोच, आपके भी अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, आपके स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है और आपको इंप्रेस कर रही है, ऐसी कोई टीम है जो अभी इन 32 टीम में? अभी के लिए तो केमिन ही बोल सकता हूँ, मतलब काफी कंसिस्टेंट खेल रहे हैं और मुझे लगता है फाइनल्स में भी अच्छा ही खेलेंगे। और कोई ऐसी टीम जिसका मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे, आपने बड़ी उम्मीदें लगाई थी बट परफॉर्मेंस के अंदर वो मजा नहीं आ रहा? खुद की टीम का नाम ले सकता हूँ क्या? मतलब मॉडेस्ट, मतलब बात तो सही है, बिकॉज टीम बनी पोडियम के लिए है, थोड़ा परेशान। बट यहाँ पे एक और सवाल भी आता है, लाइक यहाँ पे तो थोड़ा सा ये सीरियस मामला हो जाएगा। ऑफ कोर्स अभी तो चल रहे बहुत टॉप पे, केमिनी स्पोर्ट्स का जिक्र किया है, आईकू सोल भी है, अगर ग्रैंड फाइनल्स के अंदर एंट्री होती है अमित भाई, क्या कार्निवल गेमिंग तैयार होगी आईकू सोल के अगेंस्ट खेलने के लिए? बहुत डोमिनेट कर रहे हैं वो। बिल्कुल, काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं, इंटरेस्ट तो न्यू टीम तो नहीं है, वो काफी टाइम से खेल रहे हैं और हाँ कैसे वो तोड़ेंगे, अभी मतलब तो कुछ एक आइडिया खेल रहे दीजिए कि ये हैं। टीम को कैसे काउंटर करते हैं, ऐसे टीम्स को जो पूरा रैकिंग करती है पूरा। सेम ही है, मतलब अगर तुम उनको मार नहीं सकते हो अनियन में तो मरते रहोगे, तो सिंपल चीज है, जब वो स्लैम करेंगे तुम्हें मारना पड़ेगा।